तीन ऐसे सवाल जो हमारे से हर कस्टमर करता है सोफे की क्लीनिंग को लेकर। सोफा क्लीनिंग कैसे होता है, या सोफा क्लीनिंग कराने से खराब तो नहीं होगा, या सोफा क्लीनिंग कितने दिन में कराएं। तो आज मैं इन तीनों क्वेश्चन के अपने अनुभव से आपको आंसर करूंगा। तो आप अपनी कमेंट में राय बता सकते हैं मुझे कि मैंने सही बताया या गलत बताया। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला सवाल, सोफे को ड्राई क्लीन कैसे करते हैं, या सोफे को किस तरीके से धोते हैं, या सोफे को किस तरीके से डीप क्लीन करते हैं। ये एक ही सवाल है, बस इसको कस्टमर तरह तरह से बोलता है। तो कस्टमर को सबसे पहले हमें यही बताना है किस तरीके से सोफा क्लीन होता है। सबसे पहले हम कस्टमर को बोलेंगे ये तीन स्टेप में सोफा क्लीन होएगा। नंबर एक, सबसे पहले हम सोफे की जो धूल मिट्टी या डस्ट, जो सूखी धूल मिट्टी है, उसको हटाएंगे वैक्यूम के द्वारा। वो वैक्यूम मशीन में, वैक्यूम की बकेट में सारी धूल मिट्टी चली जाएगी। उसके बाद हम जो सोल्यूशन बनाएंगे, तरह तरह के शैम्पू आते हैं, तरह तरह के केमिकल आते हैं, वो जो भी आप यूज करते हो या आपका क्लीनर जो भी यूज कर रहा है, उसको कोई सा भी शैम्पू यूज कर रहा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसको पानी में डाइल्यूट करके और पानी का सोल्यूशन बना के पूरे सोफे पे उसको लगाएंगे और अच्छे से ब्रशिंग करेंगे। दूसरा स्टेप ये है कि जो भी मैल मिट्टी या कोई दाग धब्बा है उस पर अच्छे से ब्रशिंग कर देंगे। उसके बाद तीसरा स्टेप ये होता है कि उसको वेट वैक्यूमिंग करेंगे, जो मतलब उसके गीला पानी या जो सोल्यूशन हमने लगाया है और जो गंदगी उससे हटी है सोल्यूशन से, उस गंदगी को अच्छे से वैक्यूम के द्वारा खींच लेंगे, मतलब उसकी जो गंदगी है वो खींच लेंगे। तो तीनों स्टेप ये तीन स्टेप होते हैं सोफा क्लीन करने के। दूसरा सवाल जो कस्टमर हमसे करता है वो ये करता है कि सोफे को इस तरीके से ड्राई क्लीन करने या डीप क्लीनिंग करने से या धोने से सोफा खराब तो नहीं होगा, सोफे की फोम बैठ तो नहीं जाएगी, या सोफे का कपड़ा खराब तो नहीं होगा। तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमने इसको अच्छे से धोया है और अच्छे से इसको वैक्यूम किया है, तो इसमें कोई पानी नहीं रहा है और ना ही इसमें कोई सोल्यूशन रहा है, तो सोफा बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और सोफे की लाइफ बढ़ जाएगी। अगर आपका सोफा 10 साल चलने वाला है तो 15 साल चलेगा, और सोफे को क्लीन कराने से कपड़े की शाइनिंग बढ़ती है और फोम की भी लाइफ बढ़ती है। तीसरा सवाल होता है, हमारा कस्टमर ये पूछता है कि सोफे को कितने दिन में क्लीन कराएं। तो इसका जवाब हम देते हैं कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, सोफे को ज्यादा गंदा करते हैं, तो आप 6 महीने में सोफे को क्लीन करा सकते हैं। अदरवाइज आपके घर में छोटे बच्चे नहीं है तो आप 1 साल में इसको कंपल्सरी क्लीन कराएं, चाहे आपका सोफा गंदा हो या ना हो, क्योंकि उसमें डस्ट बैठती है पर वो दिखती नहीं है। तो इसी वजह से आपको सोफे को 1 साल में क्लीन कराना चाहिए। तो जो ये मैंने आपको प्रोसेस बताया है, ये आपका चेयर पे भी लागू होता है, और कारपेट पे भी यही प्रोसेस होता है, और मैट्रेस पे भी यही प्रोसेस होता है, और बेड की जो कूलिंग वगैरह होती है उसमें भी यही प्रोसेस होता है। तो इसी तरीके से हम सोफे को अच्छे से साफ करते हैं और क्लीन करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, और जिसको नहीं पता सोफा किस तरीके से क्लीन करते हैं तो उनके पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और सोफा क्लीनिंग से या कारपेट क्लीनिंग से या चेयर क्लीनिंग से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए होगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस पे सोफा, कारपेट, चेयर क्लीनिंग या ड्राई क्लीनिंग टिप्स भी मिलती रहती हैं। तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।